पूरा स्टोरी भी अच्छा बनाया, पूरा श्रीलंका भी दिखाया, अच्छा लगा। मूवी को आप क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 4। देखा उन्होंने, बहुत दिया भाई। कैसी लगी मूवी? सर बहुत ओके, एकदम मस्त। कैसा क्या 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 अच्छा लगा आपको ज़्यादा? आपको मेरे को अच्छा लगा कि वो स्टोरी जो उसका स्टोरी बना था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। इसे गुड स्टोरी एकदम। और आपको कैसी लगी? एकदम गुड, एकदम गुड। अच्छा, 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 to 5। थैंक यू मैम। कैसी लगी आपको मूवी? अति बकवास सी मूवी, ठीक है। अक्षय कुमार से ये एक्सपेक्टेड था ही, अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स लोग बैक टू बैक बनाएंगे तो मूवी तो बकवास बननी है। सो ये है। आपको क्या ज़्यादा अच्छा? अब हिंदुत्व की ऐसी लहर चल रही है तो उसमें सोचा कि अक्की सर ने सोचा कि चलो ये प्रभु श्री राम के लिए एक मूवी बना देंगे और हम झेल लेंगे, लेकिन हम नहीं झेल पाए इस मूवी को। नहीं, आपको नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड। हाँ, ट्रूली डिसअपॉइंटेड। रियली मेरे को स्पेशल 26, जॉली LLB, रुस्तम, एयरलिफ्ट जैसी मूवी देखने के बाद हम जब ये देखेंगे तो ऑब्वियसली तो बुरा तो लगेगा। नहीं नहीं, हाँ लास्ट का ओके, कोर्ट रूम बहुत सीन वो अच्छा था, बाकी ओवरऑल मूवी बहुत ही पैथेटिक। दो स्टार वो भी बहुत दे दिया मैंने। और VFX तो बहुत ही भैया था, दे हैव टू वर्क ऑन VFX, बॉलीवुड को सच में काम करना चाहिए उस पर। मूवी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की जाए ना तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है इतना ब्यूटीफुल किया गया है कि कॉन्ट्रोवर्शी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी अदर धर्म के लोगों को इस पर कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है जिस तरीके से इस मुद्दे को प्रेजेंट किया गया है। एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है वो है म्यूज़िक, क्योंकि मैं हर किसी से वही बोल रही थी, क्योंकि धार्मिक चीज़ें हमारे इमोशंस को कनेक्ट करती है और म्यूज़िक उन्हीं इमोशंस को इन्हांस करती है। सॉन्ग तो उसमें है ही नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मतलब राम जी का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे उनके कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, जहाँ पे क्या ऐसा कि हाँ यार ऐसा 7,000 साल पहले हुआ था, हो सकता था, मतलब वो चीज़ें जो हमें इतने पीछे लेकर गई, हमारे इमोशन से कनेक्ट करती है, तो अगर वहाँ पे एक्चुअल वैसी म्यूज़िक होती तो बहुत इन्हांस करता, बहुत। अक्षय कुमार की लास्ट 2-3 मूवी ज़्यादा खास थी, ये मूवी कैसा लगता है आपको? ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या? ऑफकोर्स चलेंगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट धर्म से रिलेटेड है और धर्म हर कोई अपने दिल के करीब ही रखता है।